जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिया को इसके में मैं आपकी दोस्त प्रिया आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों चलिए बिना देरी के हुए बढ़ते हैं आगे आज की क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन हमारे अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन इस क्वेश्चन को दिखाने के बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वो क्यों किसी और के होना चाहते हैं। अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ये रिक्वेस्टेड नहीं है, मैंने अपने दिल से बनाया है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर होगा, है ना। और जिनके जिनके मन में ये सवाल है ज़रूर से कमेंट्स करना। चलिए फिर देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो जो इस गेम का रूल है उसे फॉलो कीजिए, यानी चूजिंग के लिए जो दिया जाए उसे चूज़ कर लीजिए, और आपके मन में कोई सवाल है तो उसे भेज दीजिए। फिर मिलते हैं चूजिंग के बाद। तो जिसने भी चूज़ किया इस वन नंबर को, आंसर क्लियर करते हैं। वन नंबर पे आंसर है क्योंकि उसने उन्हें अपनी बातों में फंसा लिया है, इसलिए क्योंकि उन्हें, मतलब जो बंदा है आप दोनों के बीच में तीसरा आया है, उसने अपनी बातों में आपके लवर को फंसा लिया है। टू नंबर का आंसर देखेंगे। टू नंबर पे आंसर है क्योंकि वो आपके दिल से कभी थे ही नहीं। माफ़ी चाहूँगी, मतलब कहने का मतलब है क्योंकि आप उनके दिल में कभी इतना ज़्यादा थे ही नहीं। ठीक है, थ्री नंबर का आंसर देखेंगे। पेरेंट्स की वजह से, तो वजह उनका मतलब फैमिली है, यानी पेरेंट्स हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिसने भी चूज़ किया है फोर नंबर का आंसर देखेंगे। फोर नंबर पे आंसर है वो उन्हें पसंद है, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए लास्ट आंसर बचा है वो भी क्लियर करके चलते हैं। तो जिसने भी चूज़ किया है फाइव नंबर, आंसर क्लियर करेंगे। फाइव नंबर पे आंसर है वो कभी किसी एक के हो ही नहीं पाते हैं, तो ना आपके हो पाए ना वो किसी और के हो पाएंगे, बस शादी जिससे हो जाएगी वही उनका लाइफ।